हेलो यार, क्राउन जूल में जब रोमन रेंज ने रिटेन की ना अपनी चैंपियनशिप, तो उसके बाद मैंने देखा कि यार इतने सारे लोग हैं जो कि पिस्ड ऑफ हो गए हैं रोमन रेंज से। शायद आप बोलो कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर बार का ही है। जब भी रोमन रेंज जीतते हैं कुछ फैंस तो पिस्ड ऑफ होते ही है। पर नहीं, वो वाला पिस्ड ऑफ नहीं कि रोमन चैंपियन ही बने हुए हैं, इस बात से पिस्ड ऑफ है लोग कि हर बार रोमन रेंज के मैचेस सेम ही तरह से चल रहे हैं। सेम एंड हमें देखने को मिल रहा है, वही इंटरफेरेंस, वही रेफरी की डिस्ट्रैक्शन, रोमन का स्पीड हिट करना, जीत जाना, वही तो चलता आ रहा है इतने टाइम से। कुछ नई चीज हमें देखने को मिल ही नहीं रही है। एंड अब लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत गया, रोमन रेंज का टाइटल रेन देख लिया हमने, अब टाइम आ गया इसे एंड करने का, अब और नहीं देख सकते हम। एंड आज अनमोल भाई की तरफ से भी कमेंट आया है और इन्होंने कहा कि ऑलरेडी मैं वैसे वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे, पर अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक बार पूरा एनालाइज करके बता दो कि रोमन रेंज का टाइटल रेन आखिर खत्म होगा कब। पर जिस तरह उन्होंने लिखा है, इनको देख के लग रहा है कि यार ये भी पूरे मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस बात से कि यार रोमन चैंपियन बने हुए हैं ना, हारते हैं और जीतते भी हैं तो हर बार एक ही तरह से जीतते जा रहे हैं। तो ठीक है यार, सब कुछ मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कुछ भी रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे कि अब तक अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। बाकी देखो, इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूँ कि रोमन का रेन अब थोड़ा सा खटकने लग गया है। जब हर बार बंदा सेम ही चीज देखेगा तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा यार, ब्रेकिंग पॉइंट सबका आ ही जाता है एक टाइम पे। और इस बात से तो फैंस डिसअपॉइंटेड है ही, इस बात से और भी ज्यादा पिस्ड ऑफ है कि भाई वो अपनी टाइटल अब डिफेंड ही नहीं करने वाले रॉयल रंबल 2024 तक। और रॉयल रंबल कब होने वाली है, अभी भी 2-3 महीने बचे हैं उसके लिए। वैसे उन्होंने गिन के 5-6 बार यार अपनी टाइटल डिफेंड की है इस साल, अभी इतने टाइम बाद आए और अब फिर इतना लंबा ब्रेक। फैंस डिसअपॉइंटमेंट को देखते हुए क्या सच में रोमन रेंज का एंड नजदीक आ गया? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैंस बेशक डिसअपॉइंटेड हो, फैंस बेशक नाराज हो, फैंस पिस्ड ऑफ हो, कुछ भी हो, रोमन रेंज नहीं हारने वाले तो नहीं हारने वाले, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कब तक नहीं हारने वाले वो, और कैसे और क्यों नहीं हारने वाले वो भी। पर देखो, ऑल द रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाले, मतलब ऐसे तो आ भी सकते हैं पर एडवर्टाइज्ड नहीं है फिलहाल। पर अगर वो नहीं भी आने वाले हैं तो हमें पता है कि सर्वाइवर सीरीज के लिए सबसे ज्यादा हाइप किसकी है, रोमन रेंज की तो है नहीं, क्योंकि चैंपियनशिप तो वैसे भी डिफेंड नहीं होनी थी सर्वाइवर सीरीज में। वहां तो कोई वॉर गेम्स मैच या फिर ट्रेडिशनल 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज वाला मैच होना था। सर्वाइवर सीरीज के लिए मेन हाइप है सीएम पंक की, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज शिकागो में हो रही है, सीएम पंक AEW से निकाल दिए गए हैं, बहुत सारे टीजर्स भी हमें देखने को मिल गए हैं, तो WWE को कोई टेंशन नहीं है। आप खुद ही सोचो ना, अगर सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का रिटर्न हो जाता है रॉयल रंबल तक, तो भाई उन्हीं की हाइप बनी रहेगी, WWE सीएम पंक के नाम पे चला देगी सारे शोज। और आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा, जब कोई बड़ी चीज लोगों को खटक रही हो या फिर फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज्यादा नाराज हो किसी चीज के लिए, तो ऑडियंस का फोकस किसी और चीज पे शिफ्ट कर दो, तो पिछली चीज बिल्कुल भूल जाते हैं सब। तो एग्जैक्टली WWE यही करने वाली है, अभी बिल्कुल फ्रेश है ना उनके लिए, तभी लोग बोल रहे हैं कि यार रोमन ऐसा वैसा ये वो जो भी। जैसे सीएम पंक आएंगे और क्या पता रैंडी ऑर्टन भी आ जाएं, सारी की सारी स्टोरीज उनके अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। हम खुद यार रॉ और स्मैकडाउन में उनके लिए ट्यून इन करेंगे, ऐसे ऐसे करते रॉयल रंबल आ जाएगी। और जैसे ही रॉयल रंबल आ गई, उसके बाद तो आपको पता है, एक बार रॉड टू रेसलमेनिया शुरू हो गया, उसके बाद तो इतने सारे मैचेस बन रहे हैं इस बार रेसलमेनिया 40 के लिए, स्टार पावर भी बहुत ज्यादा होने वाली है, किसी को ध्यान नहीं रहेगा, सभी इसी बात में लग जाएंगे यार अब रोमन रेंज शायद अपनी टाइटल हारेंगे या रेसलमेनिया 40 में ऐसा वैसा कुछ होगा। मतलब आपको पता ही रॉड टू रेसलमेनिया में हाइप कैसी होती है। देखो, हम सबको पता है रोमन रेंज मॉडर्न एरा के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है, ठीक है। अगर ऑल टाइम का देखे तो उनके ऊपर अभी 4 बंदे हैं। नंबर 4 पे ब्रूनो सैमर्टिनो का सेकंड वाला रेन है, जो कि 1200 कुछ दिनों का था। और अगर रोमन रेंज जनवरी 19 तक चैंपियन बनते हैं तो वो वाला रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, वो नंबर 4 पे आ जाएंगे, और ये तो हमें पता ये हो ही जाएगा, ठीक है। बट जैसा कि हमने सुना था कि WWE चाहती है कि उनसे हल्क होगन वाला रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाना है, जो कि 1400 कुछ डेज का है, और वो रिकॉर्ड अगर रोमन रेंज को ब्रेक करना है तो उन्हें सितंबर 2024 तक चैंपियन बनना पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो मुश्किल है काफी, लेकिन उतना मुश्किल है भी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज का मैच द रॉक के अगेंस्ट होने वाला है, फिर तो आप भूल जाओ कि रोमन हारने वाले हैं, ठीक है। तो अगर रोमन रेंज ने रेसलमेनिया 40 में भी अपनी टाइटल रिटेन कर ली, तो वैसे तो इस साल उन्होंने रेसलमेनिया के बाद डायरेक्टली अपनी समर स्लैम में टाइटल डिफेंड की थी, पर फॉर अ चेंज मान लो कि इस बार वो ज्यादा बार करने वाले हैं। तो WWE काफी चालाकी से ये चीज की है इस साल कि उन्होंने काफी सारे ओपोनेंट्स बचा लिए रोमन रेंज के लिए। अभी भी काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ उनका मैच हुआ ही नहीं है, एजे स्टाइल्स हो गए, बॉबी लैशली हो गए, और भी काफी सारे लोग हैं, और बीच में ड्राफ्ट भी हो ही जाएगा अगले साल, तो और ज्यादा सुपरस्टार चेंज हो जाएंगे रोस्टर पे, क्या पता रोमन रेंज इस बार रॉ पे चले जाएं। तो मतलब काफी सारी चीजें जो कि WWE कर सकती है। अगर रेसलमेनिया के बाद बैकलैश आ जाती है, जिसके रूमर्स है कि वो पेरिस से होने वाली है, उसके बाद मनी इन द बैंक अगर UK से हो गई, समर स्लैम तो है ही बड़ा इवेंट, बैश इन बर्लिन इवेंट आएगा जो कि जर्मनी से हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, और रोमन के पास अभी भी काफी सारे ओपोनेंट बच रहे हैं, तो आप इतना मान के चलो कि वो वहां पे भी अपनी टाइटल रिटेन कर लेने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बैश इन बर्लिन इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर रोमन रेंज पे असली खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि सितंबर तक तो वो चैंपियन रह गए, उन्होंने हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नंबर 3 पे आ जाएंगे ऑल टाइम्स में सबसे ज्यादा रेन वाली लिस्ट में, देन होगी असली चीज शुरू यार। फिर वो टाइम आएगा जब हम एक्चुअल में बोल सकते हैं कि यार अब रोमन रेंज हार सकता है इस मैच में, और वो किसी भी बड़े इवेंट में हो सकता है, शायद वो अगले साल की क्राउन ज्वेल में हो सकता है, शायद वो रॉयल रंबल 2025 में हो सकता है,
या तो रेसलमेनिया 41 तक भी चैंपियन रह सकते हैं, जो कि अगर मुझे पहले बोलता कोई तो मैं तो बिल्कुल मारता उसे अच्छे से। लेकिन अब जब हमने ऑलरेडी रोमन रेंस का 3-3.5 साल का रेन देख लिया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती है, मैं मान सकता हूँ आराम से, क्योंकि ये भी किसने सोचा था कि ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा। दैट दिन बात ये कि फैंस के खुश होने पे या दुखी होने पे रोमन रेंस का टाइटल रेन इफेक्ट नहीं होने वाला है। WWE ने जो ऑलरेडी सोचा है वो करेंगे करेंगे, और आपने ये बात भी सुनी होगी कि रोमन रेंस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, यही WWE का प्लान है, जो भी रिकॉर्ड उनके आगे आएगा वो तोड़ देंगे। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार उसके ऊपर भी दो रेंस तो रह गए ना, टॉप 2 में आ सकते हैं क्या वो, तो इस पे तो मैंने आपको पहली चीज बताई हुई है, चलो फिर से बता देता हूँ। टॉप 2 बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स बहुत ही ज्यादा अगर लंबा रेंज आता है उनका तो रेसलमेनिया 41 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। और क्यों नहीं होने वाला, उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि अगर उन्हें सेकंड नंबर पे भी आना है ना तो उन्हें 2026 तक चैंपियन रहना पड़ेगा, 2025 भी पूरा गया, और नंबर 1 पे आना है फिर तो उन्हें May 3rd 2028 तक चैंपियन रहना पड़ेगा, जो कि दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है, मुश्किल भी क्या है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है, 99% ये चीज नहीं होने वाली। बट अगर आप अभी करंट टाइम में सोच रहे हो या रेसलमेनिया 40 तक भी सोच रहे हो कि रोमन रेंस हार जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उन्होंने रेसलमेनिया 40 में अपनी टाइटल रिटेन कर ली फिर तो आप 2025 तक भूल ही जाओ, ठीक है। अगर रेसलमेनिया 40 में उनका रॉक के साथ मैच हो गया ना, फिर तो आप मान ही लेना कि भाई रोमन नहीं हारने वाले 2024 में भी, WWE आराम से रोमन रेंस की गाड़ी रेसलमेनिया 41 तक ले जाएगी। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी रोमन रेंस से रिलेटेड, क्योंकि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आता है यार, हर बार ये क्वेश्चन आता है। ऑल्दो मैं इस पे 3-4 बार वीडियो बना चुका हूँ, बट अब रेन भी चलता जा रहा है तो ऑब्वियसली वीडियोस भी चलती जाएंगी। मुझे पता है कि सेम टॉपिक पे मैं कुछ महीनों बाद फिर से बात कर रहा हूँ। यहाँ भाई अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब कब खत्म होगा, लेट्स सी व्हाट वी गेट। चलो बात करते हैं इसके बारे में। पर पर्सनल लेवल पे मैं तो आपको इतना ही बोलूंगा, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ वैसे, कि आप एंजॉय करो यार इस रेन को, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है बस एंजॉय करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार वैसे तो आप में से काफी लोग WWE देखना ही छोड़ दोगे कुछ सालों बाद, क्योंकि हर कोई कैचअप नहीं करता बहुत लंबे टाइम तक। और ये बात पक्की कि जैसे ही रोमन रेंस का टाइटल रेन खत्म होगा WWE बहुत ज्यादा डिप आएगा, और 2030 के टाइम तो हम यही बात करेंगे कि यार 2020 से 25 का जो टाइम था यार, रोमन रेंस का एरा, यार क्या एरा था WWE का, मजा आता था देखने में, और अभी हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं उसे, तो क्यों ना अभी एंजॉय कर ले यार। अभी WWE यार बहुत ही अच्छी चल रही है। मुझे याद आता है 2018-19 का टाइम, भाई बहुत ही बेकार हो गया था सारा सीन, लेकिन अब थोड़ी एक्साइटमेंट होने लग गई है। ऑल्दो वो बचपन वाली फील तो नहीं आती, अब वो सिर्फ एक ही बार आती है साल में जब रेसलमेनिया आती है। इतने भी बड़े इवेंट्स करवा लो, कहीं भी स्टेडियम में करवा लो, रेसलमेनिया जब आती है ऐसी थोड़ी बोलते हैं यार ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल। बाकी यार यही थी सारी चीजें रोमन रेंस से रिलेटेड। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे। अगर मुझे लगा कि हाँ यार इस पे भी बात नहीं हुई अभी तक तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी यार क्राउन ज्यूल में जो कुछ चीजें हमें देखने को मिली उसके बाद जो कुछ आपको जानना जरूरी है मैंने इस वीडियो में बताया, तो इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।